नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी, ये है सुबह का टाइम, बच्चे हो गए हैं तैयार, ये छोड़ने के लिए जा रहे हैं। मैं भी जा रहा स्कूल में। मम्मी, मैं भी जाऊं स्कूल में? मेरा बैग ना, मेरा बैग दो। बिना बैग के जाओ, क्लास लगेगी बढ़िया वाली। बिना बैग के जाओ, मैं अभी पकौड़े कुछ मजबूत खाने वाली थी। तो यहाँ पर बच्चे जा चुके हैं स्कूल। बच्चों के जाने के बाद मैं भी लग गई हूँ अपने काम में। वही है बस, अपना तो डेली किचन क्लीनिंग करनी है, जो भी बर्तन होते हैं वो साफ करने हैं, इनके लिए भी लंच तैयार करना है। बस मैं लग गई हूँ अपने काम में। यहाँ पर मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई है और ये थर्सडे का वीडियो है। हाँ, बुधवार तक का मैंने शेयर किया था। काफ़ी लेट आ रहे हैं आजकल ब्लॉग, क्योंकि वही एडिटिंग करने में का टाइम नहीं मिलता है, तो बस एडिटिंग करने में लेट हो जाती हूँ। वीडियो को तो बना कर रख ही लेती हूँ, और वैसे भी डेली वीडियो आ रहे हैं, तो बस वही जो पहले वीडियो बना लेते हैं वही शेयर करने होते हैं, आगे जो बनते हैं ऐसे ही आगे आगे शेयर करते रहते हैं। तो बुधवार तक का मैंने शेयर कर दिया था, ये थर्सडे का है, सुबह का टाइम है। और ये देखिए, मैंने कल कपड़े धोए थे बुधवार में। अभी दो तीन दिन से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कपड़े सूख नहीं रहे थे, तो ये मैं ऐसे कुर्सी पर डाल देती थी, क्योंकि रात में पता नहीं चलता ज़्यादा बारिश हो जाए तो सूखने की जगह और ज़्यादा गिल्ले हो जाते हैं। तो ये मैंने सुबह कल उतार के, कल जब बारिश हुई थी तो कुर्सी पर डाल दिए थे ऐसे ही। और आज धूप निकली है और थर्सडे के बाद बारिश हुई नहीं है, खूब धूप निकलती है और गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। और सुबह बच्चों की ड्रेस भी मैंने प्रेस से सुखा के तब बच्चों को दी थी, आज बच्चों की ड्रेस भी नहीं सूखी थी, फिर सुबह सुबह मैंने प्रेस की बच्चों की ड्रेस के ऊपर, तब वो थोड़ी बहुत सूखी, तो बच्चे पहन के गए हैं। और इसके बाद अब जो ये बाकी के कपड़े बचते हैं इनको मैं फैला देती हूँ, आज धूप निकली आज तो ये सूख ही जाएंगे। उसके बाद लगते हैं अपने और कामों में, बाकी जो घर का काम है सारा ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, नहाना, सब ऐसे ही पड़ा है। तो बस मैं पहले फटाफट से ये कपड़े फैला देती हूँ, उसके बाद लगते हैं अपने बाकी के कामों में। और आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन्जॉय करते रहिए वीडियो को लास्ट तक। और आपको वीडियो कैसे लगते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो कपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई थी रूम में, तो पहले बेड ठीक कर देती हूँ। देखिए कितने सारे कपड़े पड़े, आजकल बारिश हो रही है तो ठंड होने लगी है, और बच्चे एक ही कंबल नहीं लेते हैं, अलग अलग लेते हैं, तीनों बोलेंगे मुझे मम्मी अलग चाहिए अलग चाहिए, तो तीनों अपने अलग अलग निकाल के रखते हैं और अलग अलग लेते हैं। तो बस मैं इनको उठा देती हूँ। सुबह के टाइम तो काम बहुत सारे हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो पहले तो बच्चों को ही भेजना होता है स्कूल, उसके बाद बाकी के जो सामान होते हैं वो उठा के रख देती हूँ, फिर करूँगी डस्टिंग झाड़ू। तो सुबह सुबह के टाइम तो ऐसे ही भागा दौड़ी रहती है। तो यहाँ पर मैं कंबल वंबल उठा दिए हैं मैंने, उसके बाद ये बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ, चेंज शाम को करूँगी, आज थर्सडे है कपड़े तो धुलेंगे नहीं, तो अभी तो कोई फ़ायदा नहीं, अभी तो मैं इसी को डाल दूँगी, शाम को जो है मैं चेंज कर दूँगी बेडशीट। मशीन में कल ही लगाऊँगी, क्योंकि थर्सडे में मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, तो बस अभी तो इसी को ठीक कर दूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी घर की डस्टिंग। तो यहाँ पर डस्टिंग मेरी हो गई है, अभी जो है मुझे झाड़ू लगानी थी, लेकिन अभी हॉल में थोड़ा बहुत सामान पड़ा है, झाड़ू लगाने से पहले मैं जो है सारा सामान उठा कर रख दूँगी। वही ये चप्पल वगैरह पड़ी रहती है तो इनको उठा कर रख दूँगी, उसके बाद लगाऊँगी झाड़ू। और सुबह थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद घर साफ सुथरा ही रहता है, अगर एक बार बेड ठीक कर दो तो अगले दिन तक ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा, बस एक बार चादर झाड़ के बिछानी होती है, दो चार मिनट का काम होता है, फिर पूरा दिन, क्योंकि कमरे में इतना काम नहीं रहता है, बच्चे टीवी देखते हैं तो हॉल में ही ज़्यादा रहते हैं, तो बेड तो एक बार ही ठीक करना होता है सुबह के टाइम, बाकी पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा साफ का साफ। हॉल में रहता है थोड़ा सा, सोफे बार बार ठीक करने होते हैं मुझे, क्योंकि हॉल में ही बच्चे रहते हैं, टीवी देखते हैं, खेलते हैं, यहीं खाते पीते हैं, तो यहाँ ज़्यादा मुझे क्लीनिंग करनी होती है, पोचा भी दो तीन बार लगाना पड़ जाता है, नहीं तो झाड़ू तो लगानी होती है बार बार, जैसे बच्चे कुछ भी गिरा देते हैं खाते टाइम या ऐसे ही, तो यहाँ की मुझे बार बार सफाई करनी पड़ती है हॉल की। अभी जो है मैंने सोफे वगैरह ठीक कर दिए हैं, और
बाकी जो है झाड़ू लगा दी है, अब लगा दूंगी पोचा, उसके बाद देखते हैं नहाऊंगी और बाकी के काम। बस वही है, कपड़े सूख जाएंगे, आज तो सूख ही जाएंगे, तो उनको फोल्ड करके रखना है और प्रेस करके रख दूंगी। तो पहले मैं नहा लेती हूँ झाड़ू पोछा करने के बाद। तो बस यहाँ पर मेरी झाड़ू भी लग गई है, फटाफट से बस पोछा लगाती हूँ। क्या नाम है इसका? वाश, 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 इसका क्या नाम है? स्कूपी, स्कूपी। नीचे छोड़ दो इसको। तो ये देखिए, ये था शाम का टाइम, बच्चे गए थे पार्क में और ये डेली जाते हैं, तो वहाँ पर इनको दिख गई ये डॉगी, तो ये किसी के साथ होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पे खेल के आया है हर्ष। हर्ष को बहुत शौक है डॉग्स के साथ खेलने का, तो वहाँ पर भी खेल के आया है और फिर अपने साथ इनको घर ले आया। तो देखिए, और अभी बोलता है कि मम्मी मुझे भी डॉगी चाहिए, तो इसको बहुत शौक है, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर इसको ये है, अगर किसी बात की जिद कर लेता है तो उसको बस बार बार बोलता रहेगा, और फिर पढ़ाई लिखाई खाना पीना कुछ नहीं करेगा, बस बार बार एक ही चीज़ को बोलता रहेगा। ऐसे इसने साइकिल की उसमें किया था, फिर स्केटिंग शूज, मतलब किसी भी चीज़ की जिद कर लेता है, और फिर अगर आ जाती है वो चीज़ तो उसी के साथ खेलता रहेगा। जैसे अब स्केटिंग लेकर आए तो स्केटिंग में लगा रहेगा, पहले साइकिल लेकर आए थे फिर साइकिल, दिन रात सुबह उठते ही मतलब खाना पीना पढ़ाई वगैरह से, फिर इसको कोई मतलब नहीं रहता। ये क्या करा, किसने कराई है, उल्टे लगा दिए कवर? उल्टे तो नहीं, कितना सुंदर तो है। हां कितना सुंदर है, चमक भी रही है। किसका आईडिया था ये? मेरा, और मेरा तकली करने का, ऐसे डिजाइनिंग से तकली का इसका था और कवर का मेरा था, उल्टे लगाने का। हां ऐसे नहीं अच्छे लगते, देखो ये अच्छा लग रहा आपको या क्या अच्छा लग रहा? देखिए भाई, बच्चों ने नया डिजाइन निकाला है कि उल्टे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताना, दिखाना ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है या नहीं, नहीं डाल के दिखाओ, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं या फिर ये वाला या ये वाले। बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी चेंज मत करना, उल्टे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मम्मी क्योंकि उल्टे में हमने गंदा ही नहीं किया, तो इस वजह से ये सुंदर लगते हैं। उल्टे वाले में हमने एक भी, कितना सुंदर लग रहा, कितने ज्यादा चमक भी रहे पहले वाले से। चलो ऐसे अच्छे लगे तुम्हें? हाँ हाँ ठीक है। मम्मी क्या चूड़ी लाई हूँ, कैसी लगे आपको? देखो तुम क्या करोगे चूड़ियों का, तुम लड़की हो क्या? ये चूड़ियां नहीं, चूड़िया नहीं है, ये एक तरह का खिलौना है, झुनझुना। मम्मी देखो, मम्मी इसको हम उड़ा भी सकते हैं। देखो देखो मम्मी कितना ज्यादा लंबा है, चूड़ी है ये, चूड़ी नहीं है मम्मी, ये हाथ में पहनते नहीं है, पर छन छन तो बोलती है, पहनिए ना हाथों में, ये हाथों में आएगी छोटी है, नॉन चल गई ना, ना उन्हें एक बार अपना हाथ दिखाइए, ऐसे कर, आगे आगे मम्मी आगे, छोटी पहन ली बच्चों ना, बच्चों ने छोटी पहन ली, मेरा सही छोटी है मम्मी, तो मेरा आगे है ना, किकर चूड़ी किकर, पर आप देख इसको देखा,